ये बुढ़ापे का अभिशाप है। न घर में इज्जत है न मंच पे। ऊपर वाले की नजर में कौन इज्जत ना आवे, सफेद तो कई भी है। सबसे आखिरी में भोजन वहां भी मिलता है यहाँ भी। सही बताते हैं तब दिक्कत है दिखात बा। अब ये मोहब्बत की बात कर रहे थे इस उम्र में जी, हमारी गजल निकलती कैसे है। के दिल ये तुम्हें खाम खा हम न देंगे। दिल ये तुम्हें खाम खा हम न देंगे, मोहब्बत करेंगे तो तनख्वाह लेंगे। बड़ा रिस्क है इश्क करने में साईं, अपने मोहल्ले में अपनी तुड़ाई। इतने कड़े इम्तहान यूं न देंगे, मोहब्बत करेंगे तो तनख्वाह लेंगे। देखिए एक बार हमको एक 85 साल के दादा का जो है मैरिज एनिवर्सरी कार्ड मिला। आमिर हमने सोचा ये मनाएंगे क्या बुढ़ऊ बात। एक बार एक 85 साल के दादा का मैरिज एनिवर्सरी कार्ड मिला, हमने कहा ये बुढ़ऊ मनाएंगे क्या, क्योंकि इसमें हर काम जुगाड़ से होता है बुढ़ापे में। कि 75 की दादी 85 के दादा से शादी के बरसी पे इठला के बोली। 75 की दादी 85 के दादा से शादी के बरसी पे इठला के बोली। मेरे बाल छू लो मेरे होठ चूमो लगी, बोलने दादी 16 की बोली। और मेरे गाल काटो मुझे चूमो चाटो लगा दो, मेरे भावनाओं की बोली। तो दादा उठे दादी झल्ला के बोली, कहाँ जा रहे हो करो ना टिठोली। तो दादाजी बोले बता कैसे काटूं ये दांतों का सेट तो लगाने दे बोली। अब हर काम उसमें जुगाड़ से होना है। आप लोग जरा मस्ती में आइए, कविता सुनना है तो तालियां हो जाए जोरदार भाई। आमिर भाई ताली बजा। हाँ ताली बता दे एक बार तो आगे से पीछे पर तक मत मार। नहीं आगे से बजा। बिहारी लाल अंबर जी अपने सुहाग रात में गए। कि घूंघट उठा के पत्नी से बोले प्राण प्रिय, जैसी मेरी कामना थी वैसी प्रिय वर हो। तो पत्नी लजाई इठलाई बल खाई, बोली नाथ आप मेरे इकलौते जानवर हो। तो रूठ गए पति जी मनाने लगी पत्नी जी, बात तो समझिए जी बात मेरी गूढ़ है। अरे जान भी है आप मेरे वर भी है आप मेरे, जाके क्या पड़ोसी को कहूं कि जानवर हो। आप लोग मजा नहीं ले पा रहे हैं पूरा। देखिए ज्यादा कविता सुनाऊंगा भी नहीं मैं, क्योंकि मुझे कोई पेमेंट मिलना ही नहीं है यहाँ से। अब देखिए मेरी दुर्गति क्या होती है। इरशाद एक दिन मैंने जैसे ही एक नेता को चोर कहा, बगल में खड़े चोर ने किया प्रतिवाद, आपका यही बोलने का सहूर है, आपके घर में कोई चोर है। तंग आ गए हम कवियों के विद्वता और व्यवहार से, हमारी तुलना देश के गद्दार से। कवि जी हमारी और नेताओं की अलग पात है, नेता मानव और राक्षस के बीच की जात है। क्या कहने, रावण भी राक्षस था, उसने सीता को चुराया था, मगर चरित्र देखिए उसने सीता को हाथ भी नहीं लगाया। यहाँ साल में 4-5 विधायक बलात्कार में धराते हैं और आप उनको चोर बताते हैं। कभी जी हमारा बहुत ही गौरवान्वित इतिहास और खानदान है, कृष्ण हमारे ही खानदान के भगवान हैं। माखन चोर की कही गीता स्वर्ग की सीढ़ी है, जिसके सहारे तरती पीढ़ी दर पीढ़ी है। कभी जी आइंदा आप अपनी हद में रहिएगा, किसी नेता को चोर मत कहिएगा, किसी नेता क्या को कहने भाई वाह, किसी नेता को। हम समझ गए आप लोग क्या सुनना चाह रहे हैं। एक बार बंबई में मनसे के कार्यक्रम में हमसे बाल ठाकरे मिल गए, राज ठाकरे मिल गए। हमने कहा यार आप बिहारियों से काहे इतना चिढ़ते हैं, बिहारी बहुत अच्छे होते हैं, बिहारी बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि इनके 9 बच्चे होते हैं। 2 ठो बिहार में रह जाते हैं, 60 ठो बंबई भाग जाते हैं।
बिहारी बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि इनके 9 बच्चे होते हैं। मैंने एक बिहारी से पूछा, बिहारी जी ये बच्चे संज्ञा से हैं कि सर्वनाम से? क्या कहने भाई, वाह। बिहारी जी बोले, कवि जी आप कविता से हैं कि कब्रिस्तान से? आपको मालूम हो कि बच्चे न संज्ञा से होते हैं न सर्वनाम से, बच्चे होते हैं क्रिया विशेषण के उपादान से। क्या कहने सर। मैंने कहा, बिहारी जी न भोजन का संसाधन, इतनी भुखमरी में इतना उत्पादन। अरे कमाल है यार, कमाल है। पढ़ो 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 पढ़ो। इतना बड़ा, बहुत बड़ा जंग है भाई। तंज है पर जरा फिर से समझे, जरा फिर से कहा तो। अच्छा, तोरे आज्ञास्थ हम पढ़वे कर। मैंने कहा, बिहारी जी न भोजन का संसाधन, इतनी भुखमरी में इतना उत्पादन। बिहारी जी बोले, आपकी सोच एकदम सरकारी है, अरे प्रकृति के साथ न चलना भी एक प्राकृतिक बीमारी है। क्या कहने सर। बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं और इस मामले में हम पूर्णतया कर्तव्यनिष्ठ हैं, न इसमें हिंसा है न आतंकवाद है, यह तो स्वयं में गांधी और बुद्धवाद है। क्या कहने सर, वाह। एक दिन चचा को देखकर कई लोग शर्म से गड़े थे, चचा टोपी के नीचे नंगे खड़े थे। मैंने पूछा, चचा यह प्रयोग है कि संयोग? इतनी उम्र में ऐसी नंगई क्या कहेंगे लोग? अरे आप इतनी जल्दी अपनी जमात में आ गए, अपने शरणार्थियों का तंबू चबा गए। क्या कहने सर। चचा बोले, आप हमें का बुड़बक समझते हैं? अरे नंगे हैं तो क्या हुआ, नंगे से तो भगवान भी डरते हैं। दुर्योधन हमारे पूर्वज थे, हम वो गलती नहीं दोहराएंगे। वो गांधारी के आगे नंगे नहीं हुए, मारे जाएंगे, हम वहाँ भी नंगे हो जाएंगे। अनुसुईया भगवान के आगे नंगी होकर सती हो गई, और जनता जनार्दन हमारे परमेश्वर हैं, हम उनके आगे नंगे हुए तो आपको आपत्ति हो गई? क्या पूछते हो कब ले जाएंगे? अरे नंगे आए हैं, नंगे जाएंगे। क्या कहने। जंगल का राजा शेर इसीलिए किसी से नहीं डरता है क्योंकि वो जंगल में नंगा टहलता है। हमको गाली और गांधी को गोली खानी है, दिगंबर क्या बचाएगा, गांधी को अपनी लंगोट बचानी है। कुछ बचाना माया का प्रवेश है और सब त्याग देना वैराग्य का संदेश है। वाह। क्या लेकर आए हो, क्या लेकर जाना है, न ऊपर लात है न जूता है, सब यही खाना है। क्या कहने सर। लात है न जूता है, सब यही खाना है। एक बार एक भक्त ने भगवान को प्रसन्न किया, भगवान बोले बेटा वरदान मांग ले। वो बोला, महाराज हमको विधायक बना दो। भगवान लगे भागने, बोले बेटा तीनों त्रैलोक में कुछ और मांग ले। मैंने कहा बाबा मजा तो इसी में है, अब भगवान भाग क्यों रहे हैं? शिव जी को तपस्या से किया भक्त ने प्रसन्न, वरदान दिया शिव ने तो कहने लगा भगवान, मुझको किसी तरह से इलेक्शन में जिता दो, अपनी कृपा से नाथ मुझे नेता बना दो। भगवान बोले, भक्त ये वरदान न दूंगा, तू मांग ले त्रैलोक के, तुझे हंस के मैं दूंगा। तू जानता नहीं है इसमें मर्म बहुत है, नेता की रेसिपी में खटकर्म बहुत है। जब साल में आता है ये कार्तिक का महीना, गड्ढा बना के डाल दो 14 गो कमीना, डालो 27 चोर 57 गो माफिया, फिर डालो 150 शराबी जो हो पिया, 23 मक्कार और 73 गो बवाली, 1500 डाकू और 7200 मवाली, इतना मिला के फेंट दो असुरों के खून में, 6 माह बाद निकलेगी जो मिट्टी जून में, पुतला बना के उसमें भेड़िए की आंख दो, इतना मिला के नेता बनाते हैं आंख लो, सामग्री इतनी लाऊं कहां से जो कही है, नेता बनाना भक्त मेरे बस में नहीं है, नेता बनाना भक्त मेरे बस में नहीं है।